वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हसन मॉडुलर फर्नीचर्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको बताएंगे बेडरूम के बारे में, बेडरूम में क्या क्या बनवा सकते हैं और कैसे कैसे बनवा सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से भी अपना रूम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं हम वॉलड्रॉप से। ये देखिए मेरे पीछे वॉलड्रॉप है, ये वॉलड्रॉप स्लाइडर है, हम इसको पल्लों में भी बनवा सकते हैं, जैसे डोर वाला भी बनवा सकते हैं। इसको आप देख पा रहे हो, ये देखिए वॉलड्रॉप, ये हमारा वॉलड्रॉप है। तो ये हमारा पूरा स्लाइडर में है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पूरा स्लाइडर है। चलिए अब इसके अंदर देख लेते हैं हमने क्या क्या बनाया है इसके अंदर। आइए देखते हैं फिर शुरू करते हैं। ये स्लाइडर है इसलिए मैंने बोला था आपको ये स्लाइडिंग है। तो इसके अंदर हमने 5 ड्रॉर दिए हैं, देखिए 5 ड्रॉरे हैं, ये ड्रॉरे हैं ताकि अपने छोटे छोटे कपड़े या वगैरह कुछ भी रखने के लिए हिसाब से है। और अगर आप और भी सामान रखना चाहते हैं तो वो भी है। तो ऊपर एंगल भी दिया है कपड़े टांगने के लिए और साथ में एक लाइट भी दी है ताकि आप इसमें अगर खोलें इसको तो अगर आपको उजाले की ज़रूरत पड़े तो इस हिसाब से भी आप इसमें लाइट लगा सकते हैं। बाकी वायर दिया है हमने, आप लाइट लगवा सकते हैं। लेते हैं दूसरी तरफ का कि हमने एक साइड तो आपको दिखा दिया कैसा बनाया है हमने, अब आप बात करते हैं अगली साइड की। तो देखते हैं अगली साइड भी हमने कुछ नया ही बनाया है, आप देखिए एक बार। कर लेते हैं दूसरी साइड की, तो शुरू करते हैं। देखिए ये 5 ड्रॉर है, सब साइडों में दी गई है ये। तो देखिए आप सब ड्रॉर है, ये देखिए सब ड्रॉर है ये। सामने से भी अच्छी दिखती है और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है कि हमारे अगर कोई भी वेस्टेज कपड़ा है तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से भी हम इस पर उसी हिसाब से खोल सकते हैं। जैसे हमें छोटे सामान की ज़रूरत है तो उस हिसाब से भी खोल सकते हैं। ऊपर का सेम ही दिया है क्योंकि कपड़े हैं हमारे, एक लेडीज़ होती है एक जेंट्स होता है, तो उस हिसाब से भी हम टांग सकते हैं अपने अपने एक एक वार्डरोब के हिसाब से भी। और अगर आपको एक एक साइड अच्छे कपड़े और एक साइड रनिंग कपड़े लगाने हैं तो उस हिसाब से भी आप इसमें टांग सकते हैं। तो है कि हमने एक ड्रेसिंग टेबल बनाई है और एक साथ ड्रेसिंग टेबल कैसी बनाई है और सादा सिंपल है पर जगह बच रही थी इस हिसाब से इसको बनाया गया है। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, इसमें एक साइड को ड्रेसिंग भी दी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक बहुत अच्छी तरीके से इसको दिया गया है और आप देखिए इसको भी। ये तो हमने बनाया है वॉलड्रॉप, ये पूरा वॉलड्रॉप है, ऊपर का डोर खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं। ये अब इसकी साइड में ही थोड़ा जगह बच रही थी तो इस हिसाब से हमने इसको ड्रेसिंग में भी दे दिया है। और ये देखिए एक खंड भी दिए हैं इसके अंदर को, गहरे खंड हैं ताकि आप कोई भी इसमें सामान रख सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह है वो भी, और इस जगह पे अपना कांच आ जाएगा। तो ये देखिए कांच आ जाएगा और ये पिलगा में अक्सर जगह बच जाती है, तो इस हिसाब से भी है कि अगर हमारी वेस्टेज जगह जा रही है और हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम पिलर की जगह पे अगर 8-10 इंची का पिलर लेते हैं तो उस हिसाब से भी हम उस जगह को यूज़ में ले सकते हैं। हमने यूज़ में लिया है, आप देखा होगा आपने कि हमने यूज़ में लिया है। तो अब बात करते हैं बेड की, यहाँ बेड देखिए मेरे पीछे, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप मेरे पीछे देखो डिजाइन है ना, ये इसमें ग्लास भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं आपको क्या क्या चीज़ें इसमें हम लगवा सकते हैं और लगवा भी रहे हैं, तो आइए देखते हैं फिर इसको भी क्या। ये बेड की बैक है तो इसमें ग्लास है, देखो इस पर लिखा हुआ भी है का ग्लास है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें बैक प्रिंटर ग्लास है, तो बैक प्रिंटर ग्लास और सीधा कांच जो होता है शीशा, इसमें इसलिए लिख दिया है क्योंकि शीशा और ग्लास एक ही होता है, पर इसमें बैक प्रिंटर ग्लास है तो इस हिसाब से इन्होंने इसको लिख दिया है। तो आप देखिए बेड, बेड की बैक, और ये बेड हाइड्रोलिक है, तो अभी इसका हाइड्रोलिक बाकी है पूरा। ये देखिए पूरा बेड,
साथ में सीलिंग भी दी है। ये हमारी वुडन की सीलिंग करते हैं कि चौकटों का जो चौकटों की पैरलिंग होती है उसको हम कैसे करवा सकते हैं और उसमें क्या क्या बनवा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीवीसी में बना हुआ है और हम पीवीसी में भी जाते हैं, तो इस हिसाब से आप देखिए मेरे पीछे गेट है और इसको हमने अपने तरीके से बनाया है, इसको प्लाई में बनाया है, तो आप देखिए इसको कैसे तरीके से बनाया गया है। ऐसे लेटेस्ट वीडियो देता रहूँगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके अगर परिवार में काम चल रहा है या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी लोकेशन पर आपको पूछनी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बोल सकते हैं या किसी लोकेशन पर वीडियो बनवा सकते हैं। तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि ऐसे अगर आपके घर में फर्नीचर का काम चल रहा है तो आप इस तरकीब से भी बेड बनवा सकते हैं। मैं और भी बेडों की डिजाइन आपको देता रहूँगा, तो आप देखते रहिए हसन मॉडलर फर्नीचर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए हसन मॉडलर फर्नीचर्स।